शांति। आज की तारीख है 2/9/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को भी समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। प्रश्न है आज का, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते जो कोई दूसरा पूछ नहीं सकता? उत्तर है, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं कि बच्चे पहले तुम कब मिले हो। जो बच्चे समझे हुए हैं वो झट कहते हैं, हाँ बाबा हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते वो मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल दूसरे किसी को भी आएगा नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। नंबर 2, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान शिव सतगुरु पिता का कि ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। ये नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, पवित्रता और शांति की
लाइट चारों ओर फैलाने वाले लाइट हाउस हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।